जोर से पटाखा फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है ये नया भारत है और नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, इस नए भारत में विकास की जो यात्रा प्रारंभ की है वह अद्भुत है, दुनिया के लिए आश्चर्य का आश्चर्य करने वाला है। 2 लेन 4 लेन 6 लेन 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी आईएम, ट्रेन की नई नई सुविधाएं, कई वंदे भारत ट्रेन, कई अमृत भारत ट्रेन, और कहीं पर नमो भारत ट्रेन के रूप में दुनिया की बेहतरीन मॉडल ट्रेन की आज भारत स्वयं ही अपने यहां उसका प्रोडक्शन भी करता है और जनता जनार्दन की यातायात के लिए उपलब्ध करवाता है। हर घर नल के माध्यम से हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम और नल में शुद्ध पानी उपलब्ध करा करके लोगों को आरोग्यता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। गरीबों के लिए भी ढेर सारी योजनाएं 10 वर्ष में आपने देखी होंगी, 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सौगात प्राप्त कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, अरे थोड़ा सोचो, एक भारत है मोदी जी के नेतृत्व में, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कुल आबादी 23 करोड़ लोग भूख से भिलकते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं इनको जाना चाहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान में कोई इनको भीख भी नहीं देगा पाकिस्तान में कोई। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था की है कि होली और दीपावली के अवसर पर एक एक भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और मैं आपको इस बात के लिए कह रहा हूं, आप आश्वस्त करिए 4 जून को जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो जितने गरीब होंगे, जिनके पास कच्चे मकान होंगे, खपड़े के मकान होंगे, या झोपड़ी होगी, या जिनको आवास नहीं मिल पाया है, गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक तरफ सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, और बहनों और भाइयों साथ साथ विकास भी है और गरीबों का कल्याण भी है। और अयोध्या धाम में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी है। आप में से कितने लोग अयोध्या गए हैं? इधर मैं यहां की विधायक केतकी सिंह से कहूंगा कि चुनाव के बाद एक बार बांसवी के लोगों को ले जाकर के अयोध्या धाम का दर्शन जरूर करवा दें। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग करा पाते क्या? अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते उनके पैरोकार हैं, ये राम भक्तों पर नहीं, ये तो राम द्रोहियों के साथ इनकी दोस्ती है, राम भक्तों के साथ नहीं।
और इसीलिए बहनों और भाइयों अयोध्या में अगर आप जाएंगे आपको लगेगा अयोध्या धाम तो फिर से त्रेता युग की अयोध्या आ गई। प्रभु राम की कृपा साक्षात अयोध्या धाम पर हम सब पर बरस रही है। ये सभी काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन है। बहनों और भाइयों ये गठबंधन कहता है मिलकर के लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो मिलकर के लूटेंगे और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। आप देखना 4 जून को फिर इनकी दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। ये केवल स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए मिलकर के लड़ रहे हैं। इन प्रकार सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। आज ये कह रहे हैं झूठ बोलते हैं, कितना मनगढ़ंत तो सत्य बोलते हैं। कहते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। अरे संविधान का तो सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, संविधान को सर्वोच्च सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ मोदी जी ने बनाए, ये असत्य वाचन क्यों इनके द्वारा हो रहा है? केवल इसलिए जिनसे जनता जनार्दन को आपस में बांटा जा सके, विकास के मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके, गरीब कल्याणकारी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके, सुरक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके और गरीबों के उत्थान के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है इससे ध्यान हटाया जा सके। बहनों और भाइयों हम सब याद रखना होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? लेकिन ये लोग इस शरारत में लगे हैं। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो तालिब यानी पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबकना पड़ेगा। भारत के अंदर शरिया कानून लागू करने का कुत्सित प्रयास है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको एक सिरे से खारिज करती है।